Hello student, today I am going to teach you a database development basic. For that I have to tell you some theory so you can understand what is database. According to 10th course, you have 7 sessions. First is database concept, second is data storage, third is manipulating data, fourth is creating database object. Fifth is creating table, sixth is building form, seventh is data management, create and manage queries, and eighth is design report. One by one I will tell you about all these things. First is data concept. What is database? Database is an organized collection of data. I have highlighted by line which line you have to learn by heart. You can visualize it as a container of information. क्या है डेटाबेस? जो एक कंटेनर है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. डेटा इज टिपिकली ऑर्गेनाइज टू मॉडल रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी. सो यू हैव टू लर्न फर्स्ट पैरा. सो okay, so suppose if you own stationery shop, अगर आपकी कोई stationery shop है और उसका stock आपको maintain करना है, तो उसके लिए आपकी price, उसका stock level, उसका reordering level, उसका old stock, उसका new stock जो जरूरत है वो सब आपको अपने database में mention करना पड़ेगा. So the computer can easily manage the database. अब database manage करने के लिए क्या क्या चाहिए? Microsoft Access, OpenOffice, OrgBase and MySQL. The database concept has evolved since 1960. कब से database चल रहा है? 1960 से. So in this lesson you will learn the database management system. इस लेसन में क्या आपको करना है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझना है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस क्या है? जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को कंट्रोल क्रिएशन करता है, उसका कंट्रोल करता है, उसका मेंटेनेंस करता है. उसके लिए क्या करना पड़ता है? डेटाबेस बनाना पड़ता है. इट अलाउ ऑर्गेनाइज टू कन्वीनियंट डेवलप डेटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन. डेटाबेस बहुत से एप्लीकेशन के लिए यूज होता है. डेटाबेस इन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड. डेटाबेस क्या है? एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड. DBMS allow different use application program to concurrently access the same database. DBMS एक ऐसा application है जो allow करता है कि एक ही समय में कई user उसको same database को कई लोग use कर सके. Concurrently मतलब one by one एक साथ use कर सके. Well known DBMS include Oracle, इसका सबसे ज्यादा जाना हुआ डेटाबेस कौन सा है? ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, PostgreSQL, MySQL, FoxPro एंड SQLite. समटाइम इन एग्जाम दे आस्क्ड टू राइट द 5 नेम्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देन यू कैन राइट देयर ऑल दिस. डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू 2 टाइप्स, फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल फाइल. फ्लैट फाइल डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल. जब एक टेबल में इंफॉर्मेशन होगी तब वो फ्लैट फाइल होगी. रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर इन मल्टीपल टेबल. मल्टीपल टेबल में क्यों करते हैं? क्योंकि सिंगल टेबल में जब इंफॉर्मेशन डालते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है, और जब बड़ी हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है. ओके, सो वी डिवाइड द सेम फाइल इंटू सेवरल फाइल. जैसे एक स्टूडेंट का अगर डेटा दिया तुमने और उसमें
टीचर का भी दे दिया तो 100 स्टूडेंट के साथ एक ही टीचर का 100 वर्ड डेटा आएगा, तो इट विल मेक अ डिफिकल्ट टू एक्सेस द डेटा व्हेन इट इज वेरी ह्यूज। जब बहुत बड़ा डेटा होगा तो उसको एक्सेस करने में दिक्कत होगी। ओके, नाउ डेटाबेस सर्वर। अब व्हाट इज अ सर्वर? जो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर, और जो यूज करता है वो क्लाइंट। डेटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर, टिपिकली डेटाबेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर। अब जैसे बिग बाजार आप लोग जाते हो, वहां पर कई काउंटर होते हैं, सेम प्रोग्राम हर पे चलता रहता है, लेकिन उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। जो सर्वर है, जो इंफॉर्मेशन को आपके पास भेजता है, सारी प्राइसिंग, सारे डिटेल्स, और यहाँ पे वो लोग अपने टर्मिनल पे यूज़ करते हैं, और शाम को सारा डेटा वापस वहाँ पे चला जाता है कि कितने का सेल हुआ, कितने का बिक्री हुआ। हम कहाँ काम करते हैं? हम GUI पे काम करते हैं, दैट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्लियर? ग्राफिक यूजर इंटरफेस को हम फ्रंट एंड कहते हैं, क्योंकि हम सामने उसको देखते हैं, लेकिन जो डेटाबेस सर्वर पे जाता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, बस फीडिंग के समय दिखाई देता है, वो जाके सर्वर पर स्टोर हो जाता है। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड बैक एंड। देयर आर टू थिंग्स, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। ओके, सो नेक्स्ट RDBMS। व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? बिकॉज वी रिलेट एक मोर देन वन टेबल, एक से ज्यादा टेबल जब हम लोग रिलेट करते हैं तो उसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। दिस मॉडल इज इंट्रोड्यूस बाय EF कॉल, इज वन ऑफ द रिनाउंड person who has given this concept, and IBM San Jose Research Laboratory में EF Cord ने इस concept को दिया। Most popular database currently in use are based on the relational database model। जो आजकल database use हो रहा है वो relational database model है। The relational model database is a concept model based on a first order periodic logic first formulated and person proposed in 1969 by Edgar F. Codd. In the relational model of database, all data is represented in term of tuples grouped into relation, a database organized in term of relational model in relation database. सारे डेटाबेस को हम टपल, टपल मींस रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड या टपल कहते हैं। ग्रुप्ड इनटू रिलेशन, और ये रिकॉर्ड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कैसे स्टूडेंट के डेटा को हम टीचर से रिलेट करेंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि कौन सा टीचर किस बच्चे को पढ़ाता है। क्लियर? So this way we relate different tables, teacher को student की table से जोड़ते हैं। The purpose of the relational model is to provide a declarative method for specifying data and queries. Query means how you ask the question to teacher is called queries. Same way the SQL asks the question to the database server and it will reply by giving the relevant data. User directly state what information database contain and what information they want from it
and let the database management system software take care of this describing data structure for storing the data and retrieval procedure of answering the queries. क्या करता है डेटाबेस मैनेजमेंट, जो यूजर क्वेश्चन करता है उससे रिकॉर्डिंग डेटा को वो रिट्रीव करके आंसर करता है. क्लियर? नाउ द डेटाबेस कॉन्सेप्ट. डेटाबेस कंटेन्स ऑब्जेक्ट दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग मैनेजिंग इंफॉर्मेशन. टू अंडरस्टैंड अ डेटाबेस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ऐसे ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर रहते हैं जो कि हमारे डेटाबेस को सिंपली डिस्क्राइब करते हैं कि हम उनको मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन को, जिससे कि हम उसको समझ सकें. फॉर एग्जांपल योर एड्रेस बुक. अब एड्रेस बुक में तुम्हें क्या क्या चाहिए? तुम्हारा नाम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ये सारी चीजें चाहिए. सो आइटम इज व्हाट द डेटाबेस इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट. When you were recording information in address book, what did you ask the people? What is your address? What is your phone number? यही सब तो पूछते हो. और वही सब पूछ करके जब हम एक person की information एक line में store करते हैं तो वो record कहलाता है. और जो एक information होती है, जैसे नाम field हो गया, address field हो गई, city field हो गई, उसको हम field कहते हैं. A value is an actual text or numerical amount or date. Value text भी हो सकती है, numeric भी हो सकती है, date भी हो सकती है, memo भी हो सकती है, logical yes or no भी हो सकती है. जो हम spreadsheet में जैसे हम data को grid में store करते थे, उसी तरह यहाँ पे field में हम store करेंगे. और field से मिलकर record बनेगा और record से मिलकर के table बनेगी. Clear? A database can have one or many table. Database में अभी हमने बताया कि एक से ज्यादा table हो सकती है. अब student है तो वो course भी कौन सा लेगा, science लेगा, art लेगा, commerce लेगा, तो क्या हुआ, course भी एक table हो गई, फिर fees भी एक table हो गई, फिर book भी एक table हो गई. तो student से teacher, course, fees, लैब की भी एक फीस हो गई, फीस से भी रिलेटेड सारी टेबल बन गए. वो सारी टेबल एक स्टूडेंट से जुड़ी होती है. एन एड्रेस बुक एग्जांपल इज अ वेरी सिंपल वन. रियल लाइफ देयर आर मेनी मोर डिटेल्स इन्वॉल्व. अ बिग कंपनी वुड हैव इट्स डेटाबेस, वन टेबल फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड वन टेबल फॉर इट्स सप्लायर. अब जैसे एड्रेस बुक है, उसमें एक बड़ी कंपनी के एक प्रोडक्ट की टेबल होगी और एक सप्लायर की टेबल होगी. वन टेबल फॉर द कस्टमर डिटेल एंड ऑर्डर रिसीव्ड एंड मेनी अदर बेसिकल. इसी तरह से कस्टमर डिटेल की टेबल हो सकती है, ऑर्डर की टेबल हो सकती है. तो एक डेटाबेस में ढेर सारी टेबल इसलिए बनाते हैं कि डेटा इजीली मिल जाए और क्लैश न करे, आपस में इंटरलिंक रहे प्रॉपर वे से. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट व्हेन वी पुट इन इंफॉर्मेशन वी मे हैव पीपल विद द सेम नेम. अब क्या प्रॉब्लम आई थी, रजत नाम के दो बच्चे हो गए तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कौन वाला रजत है. उसके लिए हमको यूनिक डेटा बनाना पड़ेगा. बिग कंपनी वुड हैव इट्स डेटाबेस टेबल और इट प्रोडक्ट टेबल, सप्लायर टेबल. या अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर दैट व्हेन वी पुट इंफॉर्मेशन वी मे पीपल विद द सेम नेम और द सेम एड्रेस, बट व्हेन क्रिएटिंग अ डेटाबेस एन इंपॉर्टेंट फीचर इज रिकॉर्ड यूनिकली. तो उसके लिए हमें यूनिक की बना यूनिक फील्ड लेनी पड़ेगी. यूनिकनेस हेल्प टू अवॉइड एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड कॉज बाय द यूजर. अब अगर यूनिक होगा तो डुप्लीकेशन नहीं होगा. ये नहीं सब होगा कि एक रजत का डेटा दूसरे में चला गया. दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग सम नंबर ऑफ वैल्यूज दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड. इफ सच अ यूनिक वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन योर फील्ड, एज अ डेटाबेस डिजाइनर यू कैन क्रिएट अ स्पेशल एडिशन फील्ड इन टेबल
where unique number or values can be assigned to each new entry. Therefore, every table has a key field, which ensure there are 100% unique value throughout the database. जैसे पहले रजत को एक नंबर मिला तो फिर दूसरे को एक नहीं मिल सकता, दूसरा ही मिलेगा. Every database table should have one or more field designated as a key. और ऐसी की को हम क्या कहते हैं, primary key. You can assign a unique value to this key for differentiating record that may have a similar name or address. Look at the following example of the student database. Ram, Ravi, Ravi, Sanjay. अगर हम इसको सेक्शन भी सेम है, स्टैंडर्ड भी सेम है, अगर इसको हम यूनिक की नहीं देंगे तो क्या होगा, रोल नंबर नहीं देंगे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा. इन दिस टेबल इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट रिकॉर्ड एज दे हैव नेम दैट आर सिमिलर. टू डिफरेंशिएट यू कैन ऐड एडिशनल फील्ड रोल नंबर दैट विल बी अ यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड. उसके लिए हमने उनको रोल नंबर दे दिया. जैसे तुम लोग के अटेंडेंस के समय तुम लोग को रोल नंबर मिलता है, वैसे ही रोल नंबर दे दिया जिससे कि पहचान सके कि दो ऋषभ दो रजत कौन से हैं. सो यहाँ पे दो रवि हैं, इसने क्या किया, इस रवि को 20 दे दिया, इसको 21 रोल नंबर दे दिया. तो अब जब देखेंगे तो पहचान में आएगा कि कौन सा रवि था. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज दे रहा है, वो तुम लोग पढ़ के करना. एनालाइज डेटाबेस रिक्वायर्ड फॉर रिटेल शॉप रिकॉर्ड द रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंट. अपने पास पेज पे बना के देखो बना पाते हो कि नहीं, अगर नहीं बना पाते हो तो पूछो. विजिट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सच एज लाइब्रेरी स्टूडेंट एडमिशन सेंटर टू गैदर रिक्वायरमेंट. क्या क्या जरूरत पड़ेगी लाइब्रेरी के लिए, स्टूडेंट एडमिशन के लिए क्या क्या तुम लोग फॉर्म में भरते हो उसका ये वाला कर लो. स्टूडेंट एडमिशन के लिए तुम लोग क्या क्या करते हो, क्लियर, इस क्वेश्चन को कर लो. नेक्स्ट, What does DBMS stand for? अभी बताया Database Management System. What does RDBMS stand for? Relational Database Management System. How is data organized in RDBMS? इसमें different tables लेकर उसको relate करके तब organize करते हैं. A is a database is an organized collection of data. अभी सबको करके भेजो हमको पढ़ के, अभी तो पढ़ाया उसमें सबका answer है. Relevant data for age, data to our age. Data is relational. Database management system is organized in a form of table. We'll now quickly recap what you learned in the lesson and assimilate more concept. अब database बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है वो बता रहे हैं. पहला आया table. Table is a set of data element that is organized using model of vertical column, which are identified by their name, and horizontal rows. Vertical column क्या होती है? उसका नाम बताता है, horizontal row बताता है. Row is your record and column is your field. A table has a defined number of columns but can have any number of rows. कॉलम तो फिक्स होता है लेकिन रो जो होता है वो कितना भी हो सकता है, 1000 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, लेकिन नाम एड्रेस सिटी ये सब तो फिक्स ही होगा ना. तो कॉलम फिक्स होता है, रो चेंज होता है. ईच रो इज आइडेंटिफाई बाय वैल्यू अपेयरिंग इन पर्टिकुलर कॉलम आइडेंटिफाई बाय यूनिक की. और हर रो को एक की आइडेंटिफाई कहते हैं जिसे यूनिक के कहते हैं, दैट इज अ प्राइमरी की. जैसे अभी हम लोग ने रोल नंबर दिया. नेक्स्ट, कॉलम और फील्ड. कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ अ टेबल. अब जैसे नाम टेबल फील्ड है तो उसमें केवल नाम ही आएगा, उसमें
एड्रेस नहीं लिखेंगे हम. द कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच रो आर कंपोज. फॉर एग्जाम्पल सी फर्स्ट नेम सी लास्ट नेम. कस्टमर का फर्स्ट नेम और कस्टमर का लास्ट नेम. रो और रिकॉर्ड और टपल. अभी हमने शुरू में बताया टपल इज द रिकॉर्ड ऑफ फाइल और रो ऑफ फाइल ऑफ टेबल. अ रो ऑल्सो कॉल्ड द रिकॉर्ड और टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल इन सेम टर्म्स. अ डेटाबेस टेबल कैन बी विजुअलाइज एज कंसिस्टिंग ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ द फील्ड. टेबल किससे बना होता है? रो और कॉलम से. रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम को फील्ड कहते हैं. ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा एंड एवरी रो इन द टेबल हैज द सेम स्ट्रक्चर. सभी टेबल में ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है और जिसके लिए हमें हर फील्ड के लिए डेटा टाइप पता होना चाहिए. सो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ डेटाबेस. डेटाबेस में किस तरह का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं. फील्ड देमसेल्व्स कैन बी ऑफ अ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द डेटा दे कंटेन. डेटा टाइप इन ऑफिस बेस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज लिस्टेड बिलो. किस किस तरह के डेटा टाइप होते हैं? न्यूमरिक हो सकता है. अल्फा न्यूमरिक मीन्स टेक्स्ट भी हो और नंबर भी हो. जैसे एड्रेस में तुम्हारा नंबर भी आता और टेक्स्ट भी आता है. बाइनरी टाइप 0-1 के फॉर्म में. डेट टाइम जिसमें डेट टाइम आए. अदर वेरिएबल टाइप भी होते हैं जैसे मीमो लॉजिकल. मीमो मीन्स बिग डेटा एंड लॉजिकल मीन्स यस और नो. एंड देन हाइपरलिंक देन अटैचमेंट ऑल टाइप 10 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. या दे हैव गिवन ओनली 5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट न्यूमरिक डेटा टाइप. न्यूमरिक डेटा टाइप आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमरिक वैल्यू फॉर फील्ड यूज इन अ टेबल ऑफ डेटाबेस. न्यूमरिक डेटा टाइप इज इन अ डेटाबेस कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच एज मोबाइल नंबर रोल नंबर डोर नंबर ईयर ऑफ स्कूल एडमिशन ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट स्टैटिक वैल्यू. व्हाई वी टेक द लॉजिकल वैल्यू इन न्यूमरिक? बिकॉज ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0. स्टैटिकल वैल्यूज. डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमरिक डेटा टाइप अवेलेबल एज लिस्टेड बिलो. अब नीचे जो दिया है इसको रट लो कि बूलन में कितना होता है, कितनी कैपेसिटी है, रेंज है, इसका डिस्क्रिप्शन है. बूलन मीन्स यस नो. टाइनी इंट. इंट मतलब नंबर विच हैज नो डेसिमल प्लेस. डेसिमल नंबर जिसमें दशमलव वाला पोर्शन नहीं होता वो इंटीजर नंबर होता है. स्मॉल इंट की रेंज कम होती है. लॉ इंटीजर की रेंज क्या होती है यहाँ से पढ़ लो और बिग इंट की रेंज क्या होती है यहाँ से पढ़ लो. इसको रट लो. न्यूमरिक नंबर मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये सब इसमें से देख लो और रट लो. क्लियर? नाउ रियल नंबर. अ नंबर विच हैज अ डेसिमल पोर्शन इज अ रियल नंबर. फ्लोट इट हैज ऑल्सो अ डेसिमल बट द रेंज इज हाई. डबल उससे भी बड़ा होता है. तो जब तुम यूज करोगे तो यह समझ में आ जाएगा कि क्या है ये. देन लॉन्ग वेयर कैर. दिस इज द ओरेकल डेटा टाइप अल्फा न्यूमरिक टाइप विच इज कॉल्ड मीमो. Strong up to the maximum length of number indicated by user it accept any UTF-8 character. ये बड़ा जब डेटा लेना होता है तो हम लॉन्ग वेयर कर लेते हैं, नहीं तो सिंपल कैर लेते हैं. जब छोटा टेक्स्ट होता है तो कैर लेते हैं. वेयर कैर स्टोर अप टू द स्पेसिफिक लेंथ नंबर पैडिंग. वेयर इग्नोर केस स्टोर अप द स्पेसिफिक लेंथ कम Arizen are not case sensitive but store capital as you type them. सारा कुछ दिया हुआ है. कुछ एग्जाम में पूछता है कि where कैर क्या है और कैर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. इसको यहाँ से रट लेना. Then binary type. What is a binary? By means two होता है and binary means type means 0 and 1. Binary data type are used for storing data in binary format.
Binary data type in database can be used for storing photos, music files, and in general, file of any format can be stored using the binary data type. Different types of binary data types available are listed here. कंप्यूटर क्योंकि 0 और 1 ही समझता है, इसलिए हम डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, बाइनरी टाइप में. क्लियर? नाउ लॉन्ग वेयर बाइनरी इमेज किस में जाती है? लॉन्ग वेयर बाइनरी में. स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट्स, नो वैलिडेशन रिक्वायर्ड. बाइनरी वैलिडेशन मतलब कि सही है कि नहीं है. बाइनरी स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट, नो वैलिडेशन रिक्वायर्ड. कोई भी एरे बाइट की स्टोर कर लेता है. इसी तरह वेरिएबल बाइनरी भी, वेर मीन्स वेरिएबल जो चेंज हो, और वेरिएबल जब नहीं होगा तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा. इसी तरह यहाँ पे भी है वेर कैर और कैर. वेर मीन्स वेरिएबल करेक्टर और फिक्स करेक्टर. करेक्टर जो फिक्स साइज का हो, जिसमें फिक्स साइज की इंफॉर्मेशन है. डेट टाइम, डेट टाइम डेटा टाइप्स आर यूज फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज इन द टेबल ऑफ डेटाबेस. डेटा डेट और टाइम यूज होती है डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए. जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेल है, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है. ये सारी चीज़ें, और उसके डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, जब आप सेट करोगे तो आपको मिलेगा, आप कर सकते हो. टाइम स्टैम्प इज द पोजिशन फ्रॉम वेयर वी सेट द डेट एंड टाइम इन आवर कंप्यूटर. क्लियर? नेक्स्ट पेज, अदर डेटा टाइप. अदर डेटा टाइप इज अदर एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स यू कैन एक्सेस एनी MS ऑफिस और एनी अदर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टू योर दिस टेबल. Get the Excel here, you can get the Java here, you can get the Adobe here. When you are become a perfect in Access, then you can access anything in Access database. You have used the example of address book in previous lesson. Address book uses only one table, but look at different situation. If you are dealer selling a single type of item and want to record detail of your sales the past month and also want to detail of the client who purchased the item, what would you do? You create the table sales with all the details. क्या क्या करोगे? Order ID क्या है, customer name क्या है, customer address क्या है, उसका phone क्या है, किस date को उसने order किया, item कब आया, ये सारी चीजें इसमें दोगे. Here the unique field is called the primary key. A primary key is a unique value identify a row in a table in our. हमने बताया था कि टेबल में जब तक की यूनिक की नहीं होगी, दो नाम अगर एक जैसे आ जाएंगे तो पहचानने में दिक्कत होगी, इसलिए हम ऑर्डर आई डी यहाँ पर यूनिक की है, इसको हम बनाते हैं. प्राइमरी की आर ऑल्सो इंडेक्सड इन डेटाबेस मेकिंग इट फास्टर. की बना लेने से डेटा को एक्सेस करना भी ईजी हो जाता है और जल्दी हम डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं. ठीक. नाउ फॉरेन की. जब फाइल एक दूसरे से रिलेट होती है, जोड़ने के लिए हमें फॉरेन की जरूरत होती है. दिस रेफर्ड फील्ड्स क्लाइंट आईडी व्हिच अकर्स इन द सेल्स टेबल इज कॉल्ड द फॉरेन की. हेंस द फॉरेन की आइडेंटिफाई अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम इन अ reference table that refer to the column or set of column in another table. एक table को जब दूसरे table से relate करना होता है तो foreign key की जरूरत होती है. जैसे master की तुमने बनाया, यहाँ दिखाया है client table and sale table. ये primary key है. इसमें यहाँ पे ये देखो client ID आया ना, यहाँ से इसको relate करेंगे तो पहले का यहाँ मिल जाएगा, दूसरे का यहाँ मिल जाएगा. तो क्लाइंट टेबल जो बनी है उससे सेल्स किसका किसका कितना हुआ, उसको रिलेट करके फॉरेन की से हम लोग देख लेंगे. ये फॉरेन की है और ये प्राइमरी की है. सो अगेन गिवन एक्सरसाइज, ट्राई इट एंड मेक अ स्टेशनरी शॉप डेटाबेस.
create field for item, price, color and vendor, etc. And make a primary and foreign key for that. The assessment they have given, you do it. Manipulating data, relevant knowledge. In a database, you can define a structure of data and manipulate the data using some command. There are two types of languages for this task. अब डेटा को मैनिपुलेट करने की तरह उनके लिए दो तरह की लैंग्वेज होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ डेटाबेस. अब डेटा बेस को बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए होता, हमने बताया टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड सब चाहिए होता, तो उसको डिफाइन करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जो क्या क्या कमांड यूज करती है, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप. और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, इट्स अ लैंग्वेज दैट एनेबल यूजर टू एसेस द मैनिपुलेटेड डेटा इन डेटाबेस. जब डेटा बन गया तो डेटा को हमको वापस जरूरत पड़ने पर रिपोर्ट बनाना, फॉर्म बनाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है. रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस इज सेलेक्ट. Insertion of new information, अब उसमें कुछ डेटा डालना है तो insert command लगेगा, statement लगेगा, और अगर delete करना है तो delete statement लगेगा, और उसको अगर ठीक करना है तो update statement लगेगा. Query language is a part of, और ये portion क्या है, ये data manipulation language है, क्योंकि हम इसमें data जा चुका है और उससे information लेते या देते या delete या ठीक करते हैं. A popular data manipulation language is structured query language, which I have told you. I will teach you a structured query language in Access. This is used to retrieve and manipulate data in a relational database. Other form of DML are those used by the... अब दूसरे data manipulation languages क्या हैं? IMS, DLI, CodeSell, database such as IDMS and other. Data manipulation language comprise the SQL data change statement, which modifies stored data but not the schema of the database. And now what is a schema? Schema means table ka kya structure hai, database ka kya structure, wo schema mein aayega. Jab tum table create karte ho to usko hum uske structure ko schema bolte hain. There are two type of DML, procedural or non-procedural. The user specify what data is needed and how to get. Non-procedural, the user only specify what data is needed. This is easier for the user but not may not be generate code as efficient as that produced by the procedural language. That means ki procedural language jyada achhi hai aur usse data ko hum jyada acche se access kar sakte hain. अब क्या है ये, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें. फिर देखो असेसमेंट दिया, इसको पढ़ पढ़ के बेटा लोग कॉपी में बना लो नोट्स. अब हम कैसे डेटाबेस खोलेंगे, क्या करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे तुमको कैसे डेटाबेस बनाते हैं. इसके लिए हमको MS Access की जरूरत पड़ेगी. द थ्योरी पोर्शन, स्टार्टिंग थ्योरी पोर्शन इज फिनिश्ड. सो टुडे आई एम क्लोजिंग दिस. थैंक यू. सब्सक्राइब दिस एंड डाउनलोड द ऑल वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली. एंड मेक अ नोट एंड सेंड मी द ऑल असेसमेंट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स एंड give the make the data structure. Thank you.